ओम शांति। आप सबको स्वागत है। हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 9 अगस्त के शीर्षदान की। परमात्मा चाहते हैं कि हम एक अलौकिक जीवन जिए जिसमें कि हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति और हमारी स्मृति जो है और हमारा जो संबंध है लोगों के साथ में वो परिवर्तन होता जाए। तो ये सब कुछ कैसे होता है, ये मर्जी व जीवन क्या होता है, परमात्मा आज हमें ये सिखाते हैं। ब्राह्मण जीवन जो है हमारा, वो हमें सिखाता है कि हमें इस दुनियावी तरीके से, दुनियावी तौर तरीके, भूल चाल के हिसाब से नहीं चलना है, ताकि हमारे बंधन खत्म होते जाएं और हम सत्युग में जाने के लिए तैयार हों, नहीं तो हमारे बंधन कलयुग में ही खींचे रहेंगे। तो अलौकिक जीवन की स्मृति द्वारा वृत्ति, स्मृति अपने बारे में स्मृति कि हम कौन हैं, कैसे हैं, और दृष्टि का परिवर्तन करने वाले मर्जी व भव। ब्राह्मण जीवन को अलौकिक जीवन कहते हैं। अलौकिक का अर्थ है इस लोक जैसा नहीं। अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग की सोच, बोल, विचार जैसे होते हैं, जिस तरीके से बिहेवियर होता है लोगों का, उस जैसा नहीं। दृष्टि, स्मृति और वृत्ति सब में परिवर्तन हो, हमारी देखने का तरीका, स्मृति जो हमारी यादगार है, सोच हमारे पिछले जन्मों की या हमारे पिछले ही कर्तव्यों की, और जो हमारी वृत्ति एटीट्यूड सब में परिवर्तन हो। सदा आत्मा भाई भाई की वृत्ति का व भाई बहन की वृत्ति रहे सबके साथ। मेन तो ब्राह्मण परिवार के साथ में रहे, लेकिन सारी दुनिया को भी उस तरीके से देखना है, भाई बहन की दृष्टि से देखना है। आत्मा आत्मा भाई भाई हो गए, और अगर हम एडम या ब्रह्मा बाबा के अनुसार चलें तो हम भाई बहन हो गए शरीर के अनुसार, क्योंकि वो मनुष्य सृष्टि के फादर हैं और परमपिता परमात्मा आत्मा जगत के, हम आत्माओं के पिता हैं। हम सब आपस में एक परिवार के हैं, ये वृत्ति रहे, और दृष्टि से भी आत्मा को देखो, शरीर को नहीं। अगर हम शरीर को देखते हैं तो हमें अपने संबंध याद आते हैं, साथी याद आते हैं, पुरानी ये यादें आती हैं, किसने क्या किया, क्या बोला, वो याद आता है। तो शरीर को देखने से हमें लौकिकता की बातें याद आती हैं, जिससे हमें दुख मिलता है, परमात्मा कहते हैं। इसलिए शरीर को मत देखो, बार बार अपने आप को समझाओ कि शरीर के अनुसार सो सकता है, मेरी माता हो, भाई हो, बहन हो, सास हो, ससुर हो, लेकिन ये सब कुछ अभी माने नहीं रखता, क्योंकि सब लोग आत्माएं हैं। अर्जुन ये सब मरे पड़े हैं, मरे पड़े मतलब कि संबंधों से, जिनको हमने पकड़ करके अपने आप को ये दुख दिया है, उनसे ये सारी चीजें हमारे सामने खत्म है, मरे पड़े हैं, ये संबंध खत्म होने वाला है, ड्रामा खत्म होने वाला है। तो क्यों ना इनको हम आत्मा देखें, जो ये ओरिजिनल है, इनका ओरिजिनल कैरेक्टर, इनका ओरिजिनल जो पार्ट प्ले करने वाला जो अंदर जो बैठा है वो आत्मा है, और बाहर के जो रोल्स जो प्ले कर रहे हैं वो सारे झूठे रोल्स हैं, वो तो क्षणिक है, क्योंकि अब ड्रामा खत्म होने वाला है और हमें उनसे कुछ चाहिए नहीं है। तब कहेंगे मर जीवा, जीते हैं, जी रहे हैं महात्मा, लेकिन हम इन संबंधों के हिसाब से, इन संबंधों को हमने मार दिया है। ऐसी श्रेष्ठ जीवन मिल गई तो पुरानी जीवन याद आ नहीं सकती। पुरानी जीवन में किसने क्या बोला, किसी ने बहू होकर क्या बोला, किसी ने बेटा होकर क्या बोला, किसी ने बेटी होकर मुझे क्या बोला, वो सब कुछ मर गया, वो खत्म हो गया सब कुछ। क्योंकि हम कहते हैं ना, ये तो आज से मेरा बेटा नहीं है, तो आज से मेरी बेटी नहीं है, तो आज से मेरा पति नहीं है, आज से मैं मर गया हूँ, इसलिए ये मेरे लिए मर गया, हम कहते हैं। तो वही परमात्मा कह रहे हैं कि जब तुम इनको बेटा, भाई, बहन मानते हो तो तुम्हें दुख होता है, तो क्यों ना तुम इनको, इन संबंधों को मन में मार दो और इनको आत्मा के अनुसार इनको रिस्पेक्ट दो, उनको हेल्प करो, बस डिटैच होकर के। ये सोचोगे कि अरे मैंने अपने बेटे, अपने भाई, अपनी बहन को मैंने हेल्प किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, तो ये गलत हो जाता है। परमात्मा कहते हैं इनको आत्मा समझ कर हेल्प करो, इनको एक अजनबी भी नहीं लेकिन वो संबंध में ना रख करके, क्योंकि वो संबंध में जब हम रखते हैं तो हमें चोट पहुंचती है, क्योंकि अब ड्रामा खत्म होने वाला है, तो क्यों ना हम इनको थोड़ा सा ओरिजिनल कैरेक्टर के हिसाब से, आत्मा है, रोल प्ले कर रही भाई का, रोल प्ले कर रही बहन का, रोल प्ले कर रही है इसका, भाई समझ करके अगर सोचें, अरे भाई को मेरे से ईर्ष्या होगी, ये कैसे हो गया, भाई को ईर्ष्या नहीं, आत्मा को हो सकती है, लेकिन भाई हो चाहे बहन हो चाहे दूर का कोई हो, हर किसी को कुछ ना कुछ ऐसे फीलिंग आ सकती है। तो आत्मा को ईर्ष्या हुई, भाई को नहीं, बहन को नहीं, साथी को नहीं, संबंधी को नहीं, पति को नहीं, पत्नी को नहीं, क्योंकि अगर हम ये संबंध डाल देते हैं बीच में तो हमें चोट पहुंचती है। संबंधों को हटाओ, आत्मा को ये महसूसता होती है, और ये कॉमन चीज़ है, अगर उसको आप आत्मा देखते हैं तो उसको हो सकती है सारी महसूसताएं, उसको ईर्ष्या भी हो सकती है, घृणा भी हो सकती है, नफरत भी हो सकती है आपके साथ में, तो नथिंग न्यू, तो फिर हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन भाई को हो गई, बहन ने ऐसे बोल दिया मेरे बारे में, ये एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये युक्ति है परमात्मा जो हमें सिखाते हैं मर जीवा बनने के। तो ऐसी श्रेष्ठ जीवन मिल गई तो पुरानी जीवन याद आ नहीं सकती। ये सब कुछ सिखाया था ब्रह्मा कुमारी, इसमें आप जाकर के इस विद्या को लें, ताकि आप अभी हल्के हों और ठंडे हों अपने मन बुद्धि से। ओम शांति से साथ।